हेलो दोस्तों, आज हम नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में बात करेंगे। इसमें भी आपकी वैकेंसीज निकली हुई है, तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशन फीस और नोटिफिकेशन लेटेस्ट क्या क्या है। तो दोस्तों जो ये आपका फॉर्म है 2 मार्च 2019 से ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 28 मार्च 2019 है। दोस्तों ये आपका पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये आपका फॉर्म 2 मार्च 2019 से 28 मार्च 2019 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो आपका एग्जाम होगा वो 21 मई 2019 को संडे के दिन होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल और मई 2019 के बीच आएगा, और आपका जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर है वो मई 2019 में आपका आएगा, और इसका जिसका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो मई और जून के महीने में के बीच में जो कंडक्ट किया जाएगा, इसका रिजल्ट जून और जुलाई 2019 के बीच में आ जाएगा। तो इसके जानते हैं इसके बारे में वैकेंसीज। तो इसमें टोटल 15 वैकेंसीज है, एस सी के लिए 1 है, एस टी के लिए भी 1 है, ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 7 वैकेंसीज है। टोटल 15 वैकेंसीज है, उसमें जनरल के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। दोस्तों आप जानते हैं इसमें एज लिमिट के बारे में, इसमें क्या क्या एज लिमिट है। तो इसमें आप इसमें जो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम आपके 28 ईयर्स है। तो अगर आप 21 और 28 के बीच में है तो आप इस एग्जाम अप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो इसमें आपके बैचलर डिग्री मांगी गई है, उसमें 16% मार्क्स होने चाहिए, और एस सी एस टी के लिए 55%, और आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसमें 55%, एस सी एस टी के लिए 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो अब जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से। दोस्तों अब जानते हैं इसमें जो इसका जो एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जो 3 घंटे का ड्यूरेशन टाइम है, और इसमें 4 सेक्शन होंगे। जैसे फर्स्ट है रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे आपके और 60 नंबर के होंगे, और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का पेपर होगा। इसमें दूसरा जो सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें आपके बैंकिंग कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 50 आपके नंबर होंगे, और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन आएंगे, जो भी 40 मिनट का आपका इसका ड्यूरेशन टाइम होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज थर्ड सेक्शन है, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के होंगे, और इसमें जो सब क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे जो 35 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा। उसमें जो चौथा सेक्शन है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है, जिसमें 35 आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें 60 मार्क्स के होंगे, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के होंगे, और सिर्फ 45 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा। तो टोटल मिला के इसमें 200 नंबर आपके नंबर के क्वेश्चन होंगे और 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका टाइम 3 घंटा होगा। और आप जानते हैं इसके इंटरव्यू के बारे में। जब आप इंटरव्यू अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो इसमें आपको पैसा से पहले जो है इंटरव्यू का कॉल लेटर का प्रिंट आउट और जो एक आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट, बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिफाई प्रूफ, मार्कशीट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिफाई प्रूफ, मार्कशीट आपकी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और इसमें अदर आपके पास अगर आपने कोई डिप्लोमा कंप्यूटर का या अदर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना जरूरी है। तो अब इसमें बात करें इसकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो आपकी 23,700 आपकी सैलरी इसमें बताई गई है। इसमें अप्लीकेशन फीस की बात करें तो
एससी एसटी के लिए 100 रुपये और जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये आपकी फीस रखी गई है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसमें जो सेंटर है आपके अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोलकाता, नई मुंबई, दिल्ली आपके सेंटर है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों मैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म का और नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भर सकते हैं और डिटेल को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आपको ये आपका पहले इसमें कुछ आपके आपको फॉर्म के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आपको कंटिन्यू करना है। तो ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इसमें फुलफिल करनी है जो पूछी गई है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सबको डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर पर अपने इसमें अपलोड करने हैं, उसके बाद अदर डिटेल्स जो पूछी गई है वो आपको भरनी है, उसके बाद आपको अपनी पेमेंट इसमें सबमिट कर देनी है, जिसे आप अपने किसी भी ऑनलाइन ऑनलाइन मोड से या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप इसमें अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका इस पर इसके बाद आपका एनएचपी का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और दोस्तों इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी कुछ इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।